स्टूडेंट्स वेलकम बैक इन होर्ट 221 प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी फॉर फ्रूट्स एंड प्लांटेशन क्रॉप्स लेक्चर 19 लीची। इन दिस लेक्चर आई विल कवर इम्पोर्टेंट पॉइंट्स सोयल क्लाइमेट प्रोपोगेशन इम्पोर्टेंट वराइटीज प्लांटिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर हार्वेस्टिंग एंड प्लांट प्रोटेक्शन मेजर्स ऑफ लीची लाइक फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर्स इंसेक्ट पेस्ट एक्सेट्रा। लेट्स स्टार्ट दिस टॉपिक। लीची बोटनिकल नेम लीची चाइनेंसिस, जो इसका वानस्पतिक नाम है वो लीची चाइनेंसिस है, लीची का, ठीक है। लीची को हिंदी में भी लीची कहते हैं, पिक्चर से आप समझ गए होंगे, देखा होगा फल मार्केट में कई बार। फैमिली सेपिंडेसी है इसकी, ठीक है, सेपिंडेसी फैमिली का है ये, और ओरिजन इसका साउथर्न चाइना। जो इसका उत्पत्ति स्थल है वो दक्षिणी चीन है। क्रोमोसोम नंबर 2 and 30 होते हैं, इसके जो डिप्लोइड क्रोमोसोम नंबर होते हैं वो 30 होते हैं। फ्रूट टाइप इसका नट होता है, ठीक है, फल प्रकार नट होता है। और इन्फ्लोरेसेंस जो इसका पेनिकल साइमोस का ही एक प्रकार है, जो इसका पुष्पक्रम है वो पेनिकल, पेनिकल आपको धान में भी देखने को मिल जाएगा, नीचे पिक्चर में दिखाई दे रहा होगा बिल्कुल कॉर्नर में, तो पेनिकल होता है इसका। एडिबल पार्ट इसका फ्लैशी एरिल होता है, फ्लैशी एरिल यानी कि पल्प इज आउट ग्रोथ ऑफ द सीड, जो बीज के ऊपर की पल्प होती है उसको खाते हैं अपने, उसे एरिल कहते हैं। एरिल एक और फल, एक और मसाला भी होता है, याद रखना, जिसको मैस कहते हैं, जावित्री, जायफल के ऊपर का जो छिलका रहता है एरिल भाग होता है उसको जावित्री कहते हैं, ठीक है, वो भी एरिल होता है। तो एडिबल खाने वाला भाग इसका फ्लैशी एरिल होता है, ठीक है, बीज के ऊपर वाली कोटिंग। इंपॉर्टेंट पॉइंट, फ्लोवर आर पेटललेस, जो इसके फूल होते हैं उनमें पेटल नहीं पाए जाते, पेटल से मतलब उनके जो दल होते हैं वो नहीं पाए जाते, दल समझ गए, जो कलरफुल पेटल्स पंखुड़ियाँ होती हैं वो नहीं होती। रेड पिगमेंट एंथोसाइनिन होता है, रेड पिगमेंट जो फल बाद में पकने के बाद लाल हो जाता है ऊपर से, वो पिगमेंट जो लाल रंग के लिए होता है वो एंथोसाइनिन होता है लीची के अंदर। नॉन क्लाइमेट्रिक फ्रूट होता है, ठीक है। बिहार हैज़ मैक्सिमम एरिया एंड प्रोडक्शन, जो मैक्सिमम एरिया है और उसका प्रोडक्शन है यानी कि क्षेत्रफल और उसका उत्पादन लीची का, वो बिहार का है सबसे ज़्यादा। द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ लीची इज चाइना, इंडिया रैंक सेकेंड इन प्रोडक्शन, जो सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल या कह लो कि सबसे बड़ा जो प्रोड्यूसर या उत्पादक देश है वो चीन है विश्व के अंदर। दूसरे नंबर पे आता है इंडिया, ठीक है, लीची के प्रोडक्शन के अंदर, लीची का पहले नंबर पे उत्पादक जो देश है वो चीन, दूसरा रैंक है इंडिया का। सीडलेस ड्यू टू स्टिमुलेटिव पार्थेनोकार्पी, सीडलेस ये जो कि कई बार क्या होता है कुछ इसकी जो किस्में हैं वो सीडलेस है, उसमें स्टिमुलेटिव पार्थेनोकार्पी पाई जाती है, एक तरीके का बिना परागण के बीज का, सॉरी बिना पोलिनेशन के बीज का बनना, ठीक है, स्टिमुलेटिव उत्तेजक टाइप की इसमें पार्थेनोकार्पी पाई जाती है। ये एंटमोफिलस होता है, इंसेक्ट पोलिनेटेड होता है, एंटमोफिलस समझिए, ठीक है, इंसेक्ट पोलिनेटेड मतलब जो पोलिनेशन की प्रोसेस है इसमें वो इंसेक्ट करते हैं, जैसे मधुमक्खी है, कुछ बीटल्स भी हैं इसका पोलिनेशन करती हैं। लास्ट सीजन्स ग्रोथ ऑन लीची तो टर्मिनली बियर फ्रूट्स, जो पिछले साल की ग्रोथ होती है यानी कि पुरानी ग्रोथ होती है, पिछले साल जो वृद्धि हुई थी उस पे जो फल लगते हैं वो टर्मिनल भाग पे लगते हैं, शीर्ष कह लो, जहाँ पे कोई टहनी का एंड होता है ना, जिस साइड, ठीक है, शीर्ष रहता है उस जगह पे इसमें पुष्पन होता है, फ्लोवरिंग होती है। कमर्शियल प्रोपोगेटेड बाय मार्कोटेज और गुट्टी, जो इसकी कमर्शियल प्रोपोगेशन है, जो इसका प्रवर्धन है व्यावसायिक तरीके से, वो मार्कोटेज गुट्टी या फिर आप एयर लेयरिंग कह देते हो या फिर चाइनीज लेयरिंग कह देते हैं, उससे होती है, गुट्टी विधि से इसमें पौधे तैयार किए जाते हैं नए। द मोस्ट सुटेबल टाइम फॉर प्रोपोगेशन इज फ्रॉम जून टू अक्टूबर, इसका जो मोस्ट सुटेबल टाइम होता है प्रवर्धन के लिए, जब मतलब गुट्टी तैयार की जाती है पौधे के ऊपर, उसका उससे नए पौधे तैयार करने के लिए प्रोसेस स्टार्ट की जाती है, वो जून से लेकर अक्टूबर तक का समय बेस्ट रहता है। रूट स्टॉक लीची फिलिपेंसिस,
जो इसके अंदर रूट स्टॉक ज़्यादातर यूज किया जाता है वो लीची फिलिपेंसिस किया जाता है। वैसे तो गुट्टी के अंदर तो ज़्यादातर नहीं करते, ठीक है, गुट्टी के अंदर तो वो अपने आप में खुद ही रूट स्टॉक की तरह यूज होता है, पूरा का पूरा प्लांट तैयार होता है। पर अगर किसी और विधि से तैयार करते हैं तो इसमें कई बार रूट स्टॉक यूज करते हैं लीची फिलिपेंसिस, जैसे ग्राफ्टिंग से करना है या बडिंग करना है। तो विटामिन सी 40 to 90 मिलीग्राम पर 100 ग्राम, इसमें विटामिन सी है जो वो 40 से लेकर 90 मिलीग्राम पर 100 ग्राम फ्रूट के वेट के हिसाब से होता है। रूट माइक्रोराइजल एसोसिएशन, जो रूट्स के साथ माइक्रोराइजल एसोसिएशन पाई जाती है, माइक्रोराइजल संघ एक तरीके से, मतलब जो इसकी जड़ें होती हैं उसमें एक फंगस सहजीवी के रूप में रहती है। सहजीवी से मतलब होता है इससे उस फंगस को लाभ होता है, इस पौधे की जड़ों में उसको हैबिटेट मिलता है, रहने की जगह मिलती है। और ये जो फंगस होती है वो उसके पोषण के लिए काम करती है, मतलब उसमें जैसे नाइट्रोजन के लिए तोड़ना, इनको इकट्ठा करना, ये उसको मतलब भोजन को इंटैक्ट करने में सहायता करती है। ये सहजीवी संबंध होता है, ठीक है। इसमें जो इनकी जड़ें होती हैं उसमें ये कह लो कि एक तरीके की गांठें पाई जाती हैं, जैसे राइजोबियम पाया जाता है ना, सेम वैसे ही इसकी जड़ों में भी एक फंगस पाई जाती है जो सिम्बोटिकली ग्रो करती है। लीची इज जनरली हार्वेस्टेड बिटवीन मई एंड जून। जो लीची है इसकी जो हार्वेस्टिंग है तुड़ाई वो मई से लेकर जून तक की जाती है, मई और जून में करते हैं। वराइटीज़ जो इसकी इम्पोर्टेंट वराइटीज़ हैं वो अर्ली सीडलेस है, जिसको अर्ली बेदाना भी बोल देते हैं, ठीक है, मतलब इसमें बीज नहीं बनता, ठीक है। पार्थेनोकार्पिक पाई जाती है, स्टिमुलेटिव पार्थेनोकार्पिक पाई जाती है। इसके अलावा रोज सेंटेड है, इसके अलावा देहरादून है, गुलाबी, पूर्वी, शाही, कासवा, बम्बई, इसके अलावा लेट सीडलेस, इसके अलावा चीना यानी कि चीन, देसी, इसके अलावा स्वर्ण रूपा। ये जो स्वर्ण रूपा किस्म है ये अर्ली किस्म है, अगेती किस्म है और नॉन क्रैकिंग सीडलेस वैरायटी है, मतलब नॉन क्रैकिंग टाइप की होती है, मतलब इसमें जो क्रैकिंग की समस्या रहती है, इसका फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर है, वो इसमें नहीं होता और बीज रहित किस्म है। इसके अलावा इलाची, इसके अलावा भवेस्तर, लेथ लार्ज रेड, मुजफ्फरपुर इसको नाम से भी जानते हैं, इसके अलावा मैकली, ठीक है, ये इसकी इंपॉर्टेंट किस्में हैं। फिर है क्लाइमेट, ह्यूमिड सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट दैट इज़ फ्री फ्रॉम फ्रॉस्ट ड्यूरिंग विंटर एंड ड्राई हीट इन समर। ह्यूमिड सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट मतलब सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट की ये फसल है, उपोषण क्लाइमेट की ये फसल है, जहाँ पे थोड़ी ह्यूमिडिटी ज़्यादा रहती है, ऐसे क्लाइमेट की, ठीक है, और ऐसा मौसम जो जहाँ पे पाला ना पड़ता हो, एक तो मतलब विंटर के अंदर सर्दियों के अंदर पाला ना पड़ता हो और गर्मियों के अंदर ज़्यादा हीट ना रहती हो, मतलब बहुत ज़्यादा टेम्परेचर कम या ज़्यादा नहीं होना चाहिए। जैसे मान लो सब ट्रॉपिकल के अंदर राजस्थान आ जाता है, वैसे तो एरिड जोन के अंदर आता है, पर यहाँ का जो टेम्परेचर है यहाँ एक तो कम भी बहुत ज़्यादा हो जाता है, पाला भी पड़ता है और टेम्परेचर बहुत ज़्यादा भी हो जाता है, इसलिए इसके लिए ये टेम्परेचर सूटेबल नहीं है। बिहार है, लखनऊ साइड है, वहाँ इसके लिए टेम्परेचर सूटेबल रहता है, वहाँ ह्यूमिडिटी रहती है और सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट है। साथ में ग्रोन अप टू एन एल्टीट्यूड ऑफ 1000 मीटर, इसको लगभग 1000 मीटर की ऊंचाई तक कल्टीवेट किया जाता है, मतलब मीन सी लेवल से लगभग 1000 मीटर की ऊंचाई तक इसको कल्टीवेट किया जाता है। बेस्ट टेम्परेचर है 30 डिग्री सेल्सियस, जो इसकी कल्टीवेशन के लिए उत्तम तापमान है वो 30 डिग्री सेल्सियस है। इट इज़ हार्मफुल टू हैव ए मैक्सिमम टेम्परेचर अब 40.5 डिग्री सेल्सियस इन समर एंड बिलो फ्रीजिंग पॉइंट इन विंटर। इसके लिए जो ज़्यादा तापमान है, मैक्सिमम तापमान मान लो 40.5 डिग्री सेल्सियस, जो अगर इससे ऊपर रहता है तो हार्मफुल है, और गर्मियों के अंदर, ठीक है, इससे अगर बिलो टेम्परेचर रहता है, बिलो फ्रीजिंग पॉइंट मतलब जमाव बिंदु से भी कम तापमान रहता है विंटर के अंदर, वो भी इसके लिए हार्मफुल है, मतलब 40 से ऊपर नहीं होना चाहिए, और फ्रीजिंग पॉइंट होता है जहाँ पे बर्फ़ जमती है उससे नीचे का जो तापमान रहता है वो भी इसके लिए हानिकारक है। सोयल डीप वेल ड्रेन्ड लोमी सोयल रिच इन ऑर्गेनिक मैटर, गहरी अच्छे जल निकास वाली जो दोमट मिट्टी होती है जिसमें ऑर्गेनिक मैटर जहाँ कार्बनिक पदार्थ भरपूर मात्रा में हो वो अच्छी रहती है। सोयल पीएच 6 to 6.5 इज बेस्ट, जो सोयल का पीएच है वो 6 से 6.5 के बीच में रहना चाहिए, मतलब लगभग लगभग न्यूट्रल से थोड़ा सा एसिटिक
टाइप का होना चाहिए जो इसके लिए सोयल की रिक्वायरमेंट है। फिर है प्रोपोगेशन। प्रोपोगेशन कमर्शली प्रोपोगेटेड बाय एयर लेयरिंग, जैसे मैंने पहले भी बताया था, एयर लेयरिंग जिसको एक नाम इसका मार्कोटेज भी बोल देते हैं, इसी को गुट्टी भी बोल देते हैं, ठीक है, जैसे पिक्चर में दिखाई दे रही है, ये आप समझ गए होंगे इसी पिक्चर देख के। और इसे चाइनीज़ लेयरिंग भी बोल देते हैं। लीची सीड्स हैव वायबिलिटी फॉर ओनली 4 to 5 days आफ्टर रिमूवल। जो बीज की वायबिलिटी होती है, वायबिलिटी मतलब उसकी जीवन क्षमता कह लो, जहाँ जो जीवित कितने टाइम रहता है, लगभग 4-5 दिन तक रहता है। जैसे ही बीज अपने फल में से निकल जाता है बाहर, यानी कि उसको अपने एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं, यानी कि अपने फल खा लिया, फल खाने के बाद जो बीज बच जाता है वो 4 से 5 दिन तक ही वायबल होता है, मतलब उसको उसी टाइम बो दिया जाए तो वो जर्मिनेट हो जाएगा। अगर उसको उससे ज़्यादा दिनों तक रखा जाता है तो उसकी वायबिलिटी ख़त्म हो जाती है, कम हो जाती है। जैसे नींबू की 30 दिन की होती है, नींबू के बीज होते हैं ना जो, उसकी 30 दिन की होती है, ऐसे इसकी 4-5 दिन की ही होती है जब उसके ऊपर से पल्प हट जाती है तो। द टाइम ऑफ लेयरिंग इज़ द ऑनसेट ऑफ मानसून। जो टाइम होता है लेयरिंग का वो होता है मानसून का, जब मौसम शुरुआत होती है उस समय, यानी कि जून, विच में कंटिन्यू फ्रॉम जून जुलाई टू सितंबर, जो कि जून जुलाई से लेकर सितंबर तक होता है। मैंने पहले ही बताया था जून से लेकर अक्टूबर तक इसमें प्रवर्धन किया जाता है, प्रोपोगेशन की जाती है। फिर है प्लांटिंग, जो इसका रोपण कैसे करते हैं, मतलब पौधे को खेत में कैसे लगाया जाता है। पीट्स ऑफ साइज 100 cubic centimeter आर डग एट ए डिस्टेंस ऑफ 8 x 8 to 10 x 10 meter। जो इसमें खड्डे खोदे जाते हैं वो 100 cubic centimeter साइज़ के, मतलब 100 चौड़े 100 लंबे और 100 गहरे खड्डे खोदते हैं, 100 सेंटीमीटर, ठीक है। और इनकी जो खड्डों की दूरी होती है लगभग 8 x 8 भी रखी जाती है, 8 x 8 भी रखते हैं, मतलब पौधे से पौधे की दूरी 8 और लाइन से लाइन की दूरी 8, या फिर 10 x 10 भी रख लेते हैं कई जगहों पे, ठीक है। वो वैरायटी के ऊपर डिपेंड करता है, या फिर उस क्लाइमेटिक कंडीशन के ऊपर डिपेंड करता है कि स्पेसिंग कितनी रखनी है। इसके अलावा प्लांटिंग इज़ डन इन द रेनी सीजन। जो इसकी प्लांटिंग करते हैं, रोपण करने का जो उपयुक्त टाइम होता है, जहाँ कह लो कि प्लांटिंग कब करते हैं, वो रेनी सीजन के अंदर करते हैं, बरसात के मौसम के अंदर इसकी प्लांटिंग करते हैं। प्लांटिंग कैन ऑल्सो बी डन इन स्प्रिंग व्हेन देयर इज प्लेंटी ऑफ वाटर अवेलेबल फॉर इरीगेशन। स्प्रिंग के अंदर भी इसमें प्लांटिंग की जा सकती है अगर आपके पास सिंचाई की अच्छी सुविधा है, जहाँ कह लो कि अच्छी सिंचाई के लिए पानी उपलब्ध है, सिंचाई के लिए अच्छा पानी उपलब्ध है, मतलब आपके पास सिंचाई की सुविधा है, तो आप इसमें स्प्रिंग सीजन बसंत के ऋतु में भी इसकी प्लांटिंग कर सकते हैं, जैसे फरवरी मार्च का जो महीना होता है उस समय, क्योंकि उसके बाद से जस्ट बाद जो गर्मी का मौसम आ जाता है तो पानी की ज़रूरत पड़ती है इसे। फिर है मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स। 200, 320, 500 ग्राम पर ट्री NPK, मतलब जो नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाश है NPK, ठीक है, 200 नाइट्रोजन 200 ग्राम, ठीक है, 200 ग्राम पर ट्री, एक वृक्ष के लिए 200 ग्राम नाइट्रोजन, 320 ग्राम फास्फोरस और 500 ग्राम पोटाश, ठीक है, एंड 40 to 60 kg FYM पर ट्री शुड बी गिवन टू ए फुली मैच्योर ट्री। जब पूरी पौधा अपनी ग्रोथ कर चुका होता है, लगभग 10 ईयर ऑनवर्ड, जहाँ कह लो कि 7 to 8 ईयर ऑनवर्ड, 7 साल के बाद, तब इसमें पौधे को 200, 320 और 500 ग्राम NPK, साथ में 40 से 60 किलो गोबर की खाद प्रति पौधे के हिसाब से दी जाती है, ठीक है, एक मैच्योर पौधे के लिए जो मात्रा है। FYM, फास्फोरस एंड पोटेशियम आर अप्लाइड वंस इन ईयर एटमन। जो इसमें गोबर की खाद है, फास्फोरस है और पोटेशियम है, ठीक है, फास्फोरस और पोटेशियम, इसे एटमन के महीने में उसके अंदर वृक्षों को दी जाती है, मतलब ये एक बार में दी जाती है सारी की सारी, यानी कि जब अपना सर्दी का मौसम आता है उस समय। नाइट्रोजन इज अप्लाइड ट्वाइस ए ईयर। जो नाइट्रोजन है उसको साल में 2 बार दिया जाता है, वंस इन जनवरी फरवरी, एक बार तो जनवरी फरवरी में, दूसरी बार सितंबर अक्टूबर के अंदर, ठीक है, 2 बार देते हैं, जनवरी फरवरी में एक डोज, फिर सितंबर अक्टूबर के अंदर। जिंक डेफिशिएंसी आल्सो ऑब्जर्व शोविंग ब्रॉन्जिंग ऑफ लीव्स। इसमें कभी कभी जिंक डेफिशिएंसी भी शो करता है, जो इसकी पत्तियों के ऊपर कभी कभी आपको रेड से कलर की पत्तियां दिखाई देनी स्टार्ट हो जाएंगी, रेड से ब्राउनिश कलर की ऊपर कलर चेंज हो जाएगा पत्तियों का थोड़ा सा, तो
जिंक डेफिशिएंसी शो करते हैं, जिसको ब्रोंजिंग कहते हैं। ब्रोंजिंग, इसके लिए अप्लाई 4 kg जिंक सल्फेट एंड 2 kg हाइड्रेटेड लाइम पर हेक्टर बाय एडिंग 500 लीटर ऑफ वाटर। मतलब 4 किलो जिंक सल्फेट या फिर 2 किलो हाइड्रेटेड लाइम होता है, जो चूना होता है, गीला किया हुआ चूना रहता है, उसको प्रति हेक्टर के लिए 500 लीटर पानी के अंदर घोल बनाकर डालना चाहिए। फिर है इरिगेशन, सिंचाई। इन द पीरियड ड्यूरिंग मार्च टू मई फ्रूट डेवलप टेक प्लेस विच नीड रेगुलर इरिगेशन। सिंचाई जो है इसमें मार्च से लेकर मई का जो पीरियड रहता है, मार्च से लेकर मई तक का फ्रूट डेवलपमेंट टेक प्लेस विच नीड रेगुलर इरिगेशन, उस समय फल विकसित होते हैं, विकास कर रहे होते हैं, इसलिए उसे नियमित रूप से सिंचाई की आवश्यकता होती है। मतलब उसमें सिंचाई में आप ऐसा नहीं कि स्टॉप कर दोगे, उसको निरंतर सिंचाई दोगे जितने भी दिनों पे उसको देनी है। इरिगेट क्रॉप ऑफ 7 डेज इंटरवल इन समर, गर्मियों के अंदर 7 दिनों के अंतराल पर इसमें सिंचाई करो, एंड 20-25 डेज इंटरवल इन विंटर, और 20-25 दिनों के अंतराल पर सर्दियों के अंदर इसमें सिंचाई की जाती है। लैक ऑफ इरीगेशन कैन रिजल्ट इन फ्रूट ड्रॉप एंड स्प्लिटिंग ऑफ द फ्रूट्स। अगर कमी रहती है सिंचाई की, जिसके कारण इसके फल जो होते हैं वो गिर सकते हैं, एक तो ड्रॉप हो सकते हैं, मतलब फल गिरना स्टार्ट हो सकते हैं, जब स्प्लिटिंग स्टार्ट हो सकती है फलों की, फल क्रैक होना स्टार्ट हो सकते हैं। ठीक है, क्रैक का अपने आगे पढ़ेंगे ही। तो क्रैक मतलब उसका जो ऊपर वाला छिलका रहता है फल का, वो क्रैक होना स्टार्ट हो जाता है। इंटरकल्चर एंड इंटरक्रॉपिंग, इंटरकल्चर और इंटरक्रॉपिंग समझ गए होंगे। ठीक है, लीची इज ए शैलो रूट क्रॉप, लीची होती है वो शैलो रूट क्रॉप होती है, मतलब इसकी जड़ ज़्यादा गहरी नहीं होती, उथली जड़ वाली फसल है। सो वीडिंग शुड बी डन टू कीप वीड डाउन, इसीलिए इसमें वीडिंग करना आवश्यक करना चाहिए, जिससे कि जो वीड है वो डाउन हो सके, वो कम हो सके। ठीक है, मतलब इसमें अगर शैलो रूटेड है तो ये ऊपर वाली मिट्टी से न्यूट्रेंट सोखेगी, और जो वीड होते हैं उनकी भी जड़ें ज़्यादा गहरी नहीं होती, ऊपर वाली मिट्टी से वो न्यूट्रेंट सोखते हैं, इसलिए वीड़ों को कम करना, जो खरपतवार उनको कम करना बहुत ज़रूरी होता है। सेवरल क्रॉप्स कैन बी प्लांटेड बिटवीन 2 रोज ऑफ लीची, एग्जाम्पल रेडिश, कैरेट, कॉलीफ्लावर, पीस, काउपी एक्सेट्रा। बहुत सी जो फसलें हैं इसकी 2 जो रो रहती हैं फसल की, ठीक है, 2 फसल की, मतलब मान लो कि 2 लीची की पेड़ लगे हुए हैं, दोनों के बीच में जो जगह खाली है 2 रो के बीच में, वहाँ पे जैसे मूली है, गाजर है, इसके अलावा फूल गोभी है, मटर है, या फिर चवला है, इसको आप उगा सकते हो। फिर है ट्रेनिंग एंड प्रूनिंग, कांट शांट कह लो और संधाई कह लो, ठीक है, संधाई और कांट शांट। गिविंग द यंग प्लांट ए बैलेंस शेप एंड सपोर्टिंग द यंग प्लांट इज एसेंशियल फॉर इट्स स्ट्रेट ग्रोथ। जो प्लांट को एक बैलेंस शेप देने के लिए, एक संतुलित आकार देने के लिए, तो शुरुआत में इसमें ट्रेनिंग की जाती है, पौधे के अंदर संधाई करते हैं, और साथ में पौधे को सपोर्ट सहारा दिया जाता है कि वो सीधी वृद्धि कर सके। जब छोटा होता है पौधे की प्लांटिंग करते हैं, उसके साथ में एक स्टिक लगा देते हैं जिससे वो पौधा सीधा खड़ा रहे और उसका तना सीधा बने। ट्री प्रूनिंग इज जनरली नॉट डन एक्सेप्ट टू रिमूव डेड और डिजीज ब्रांचेज। प्रूनिंग जो होती है इसमें अलाउ नहीं की जाती, जहाँ कह लो कि जनरली नहीं की जाती, बस जो इसकी सूखी हुई शाखाएं होती हैं या जिन पे बीमारी कोई लगी हुई होती है, उन शाखाओं को रिमूव किया जाता है, हटाया जाता है, मतलब ज़्यादातर प्रूनिंग नहीं करते। कारण है क्योंकि इसमें प्रूनिंग अपने आप भी हो जाती है, जब अपने फल की हार्वेस्टिंग करते हैं अपने आप ही प्रूनिंग हो जाती है, अपने उसकी पुरानी ग्रोथ को काट देते हैं उसी साथ में। ठीक है, दूसरी कारण एक और भी है इसके अंदर कि इसमें जो कह लो कि फलन होता है वो ज़्यादातर पिछले साल की ग्रोथ पे होता है। अब अपने उसको काट दिया तो आगे पुष्पन कैसे होगा, सॉरी, ठीक है, पुष्पन कैसे होगा, उस पुरानी ग्रोथ पे ही तो होना है, जो उस साल ग्रोथ हुई अगर उसको काट दिया, मान लो प्रूनिंग कर दी, तो उसमें तो नई ग्रोथ आएगी, और अगले साल फिर उस पे तो अगले साल पुष्पन होगा जब वो मैच्योर होगा। तो ठीक है, तो इसमें प्रूनिंग
कम की जाती है, जितना हो सके अवॉइड की जाती है, बस जो डिजीज्ड है, सूखी हुई शाखा है उसको प्रोन किया जाता है। टर्मिनल शूट्स आर हार्वेस्टेड वाइल रिमूविंग द फ्रूट क्लस्टर ड्यूरिंग हार्वेस्टिंग विच आर देमसेल्फ इन द सीरीज ऑफ प्रोनिंग पर्पज। जो टर्मिनल शूट्स होती हैं, मतलब जो शीर्ष होते हैं, शाखाएं होती हैं, जब फ्रूट के क्लस्टर को, गुच्छे को काटा जाता है, उस समय उसको साथ में रिमूव कर दिया जाता है। जैसे मैंने पहले बताया कि उसको साथ में अपने आप ही काट देते हैं, तो जिससे प्रूनिंग वाला जो प्रोसेस है वो भी साथ ही हो जाता है, उसी श्रृंखला में आ जाता है ये चीज़, वो पर्पज अपना पूरा हो जाता है। फिर है फ्लावरिंग एंड फ्रूटिंग, पुष्पन और फलन। द प्लांट प्रोपोगेटेड बाय वेजिटेटिव मेथड स्टार्ट फ्लावरिंग एट द एज ऑफ 3 to 5 ईयर। जो प्लांट वेजिटेटिव मेथड से प्रोपोगेट या प्रवर्धित किया हुआ होता है वो 3 से 5 साल के अंदर फल देना स्टार्ट कर देता है। फ्लावरिंग स्टार्ट इन द लास्ट वीक ऑफ जनवरी और द फर्स्ट वीक ऑफ फरवरी। जो फ्लावरिंग है, पुष्पन है, इसमें वो जनवरी के लास्ट वीक के अंदर शुरू होता है, या फिर जो फरवरी होती है उसके पहले वीक के अंदर शुरुआत उसकी होती है, मतलब पुष्पन शुरू हो जाता है। फ्रूट्स राइपन फ्रॉम मई टू जून, और फल जो होते हैं वो मई से जून के अंदर पकते हैं। जनवरी लास्ट से मान लो, जब फरवरी से लेके मई जून तक फलन रहता है इसके ऊपर, पौधे के ऊपर रहता है, ठीक है, मई जून में फल वो पक जाते हैं। फिर है हार्वेस्टिंग, फ्रूट्स आर रेडी फॉर हार्वेस्टिंग इन मई जून। जो फल होते हैं वो मई जून के अंदर तोड़ाई के लिए, हार्वेस्टिंग के लिए तैयार होते हैं। द मैच्योरिटी ऑफ द फ्रूट इज डिटरमाइंड बाय, जो मैच्योरिटी है किस इस प्रकार से जज की जाती है, डिटरमाइन की जाती है। फ्लैटनेस ऑफ द ट्यूबिकल्स, जो फ्लैटनेस ट्यूबिकल्स होते हैं, ट्यूबिकल्स मतलब आप एक साइड इधर पिक्चर दिखाई दे रही होगी आपको, उसमें दो टाइप के हैं, एक तो ग्रीन कलर वाला है, उसमें आपको देखना कि जो उभरे हुए कांटे से दिखाई दे रहे हैं फल के ऊपर, उसको ट्यूबिकल्स बोलते हैं, ठीक है, वो उतने ज़्यादा गहरे होंगे, जहाँ कह लो कि उभरे हुए रहेंगे, और जैसे जैसे फल पकता जाएगा वो स्मूथ होते जाएंगे ऊपर से, वो जो ऊपर से आपको रफनेस दिखाई दे रही थी वो उतनी ज़्यादा स्मूथ हो जाएगी, जैसे आपको पकी हुई इसमें लीची के अंदर दिखाई दे रही है, ठीक है, इसी को ट्यूबिकल्स कहते हैं। सेकंड है स्मूथनेस ऑफ द एपिकार्प, जो अंदर फल के अंदर जो गुद्दा रहता है वाइट कलर का, जिसको अपने एरियल कहा था, खाते हैं, वो भी स्मूथ हो जाता है, चिकना हो जाता है, एक तरीके से चमकदार हो जाता है, कच्चे के अंदर ऐसा नहीं होता, जैसा इसमें वाइट दिखाई दे रहा है ना आपको निकला हुआ पकी हुई के अंदर, वो चिकना होता है बिल्कुल, उसमें लुब्रिसिटी भी कह सकते हो कि एक तरीके की लुब्रिसिटी बढ़ जाती है। फिर है द फ्रूट बिकम ब्राइटर इन कलर विच चेंज फ्रॉम ग्रीन टू पिंक, जो फल होते हैं वो चमकदार हो जाते हैं, चमकीले हो जाते हैं, जो ग्रीन से पिंक कलर के अंदर जब चेंज हो जाता है उनका कलर, ग्रीन से पिंक हो जाता है, ठीक है, वो तो आपको दिखाई दे ही रहा है, जैसे फल कच्चा है वो ग्रीन कलर का, और जब वो मैच्योर हो जाएगा वो पिंक कलर का हो जाएगा। फ्रूट बिकम राइप इन 105 to 115 डेज आफ्टर फ्लावरिंग, जो इसमें फल होते हैं वो 105 से 115 दिन के अंदर पक जाते हैं, एंथेसिस से कह लो, जहाँ फ्लावरिंग से, जब पुष्पन हुआ उसके 105 से 115 दिन के अंदर फल पक जाते हैं। द फ्रूट्स आर हार्वेस्टेड इन बंचेस विद ए फ्यू ट्विक्स एंड ए फ्यू लीव्स, जो इसके फल होते हैं उनको एक बंच के अंदर, गुच्छे के अंदर तोड़ा जाता है, साथ में कुछ टहनियों के साथ में, ट्विक्स के साथ में, ठीक है, और साथ में कुछ पत्तियां भी होनी चाहिए। फिर है यील्ड, उपज इसकी 80 to 100 केजी फ्रूट्स पर ट्री पर ईयर, लगभग 80 से 100 किलो फल प्रति वृक्ष प्रति वर्ष इससे उपज मिलती है। फिर है इंसेक्ट पेस्ट ऑफ लीची, जो इसके इंसेक्ट पेस्ट हैं, कीट हैं, पहला है माइट्स, मेन इंसेक्ट है इसका अकेरिया लीची है इसका जो साइंटिफिक नेम है, ब्राउन वेलवेटी गर्ल्स डेवलप ऑन द साइड्स ऑफ द प्लेस वेयर दे फीड एंड इवेंचुअली द लीव आर ट्विस्टेड, जो जिस जगह पे इसका यह कह लो कि ये खाते हैं, फीड करते हैं, उसके चारों तरफ, उस खाने वाली जगह के चारों तरफ एक वेलवेटी उभरा हुआ कह लो, ठीक है, एक सूजन सी बन जाती है, ठीक है, सूज जाती है उस जगह पे, और ब्राउन कलर की सूजन सी दिखाई देगी आपको जिस जगह पे ये खाएगा, जैसे आपको पिक्चर में दिखाई दे रहा है, क्लियर हो रहा है, और बाद में पत्तियाँ मुड़ जाएंगी, ट्विस्ट हो जाएंगी। माइट्स सक द सैप फ्रॉम द लीव्स, जो माइट्स होती हैं
माइट्स को आप मकड़ी भी कह सकते हो, एक तरीके की मकड़ियाँ होती हैं छोटी छोटी, इसको कई बार और भी कई नाम से जानते हैं वैसे, ठीक है, माइट्स। तो ये पत्तियों का रस चूसती है, उसमें से सैप को चूसती है, कॉजिंग द लीव्स टू ड्राई अप, जिसके कारण पत्तियाँ सूख जाती हैं। कंट्रोल है, कलेक्ट एंड डिस्ट्रॉय द अफेक्टेड लीव्स, जो भी पत्तियाँ प्रभावित हैं उनको कलेक्ट करो, ठीक है, और डिस्ट्रॉय कर दो, उसको नष्ट कर दो। स्प्रे कैराथेन 0.12%, इसके अलावा जो कैराथेन है उसका 0.12% का छिड़काव करो। इसके अलावा स्प्रे 0.05% ऑफ डाइमिथोएट का 0.05% का आप छिड़काव करो। सेकेंड इंसेक्ट है इसके अंदर बार्क ईटिंग कैटरपिलर, ज़्यादातर जो फ्रूट प्लांट है उनके अंदर इंसेक्ट ये मिल जाएगा आपको। इंडरबेला टेट्राओनिस, ठीक है, इसका मैंने पहले भी आपको कई फसलों के अंदर बताया हुआ है। द लार्वी फीड ऑन द बार्क एंड ऑल्सो हॉल्स मेक हॉल्स इन द बार्क, जो इसकी लार्वी होती है वो छाल को खाती है, उसको खाती है और उसके साथ ही उस छाल के अंदर छेद कर देती है, और कभी कभी ये तने के अंदर भी छेद कर देती है। तो कंट्रोल है, प्लग द पोर्स विद फ्यूमिगेंट लाइक कार्बन डाइसल्फाइड पेट्रोलियम एंड प्लास्टर इट विद क्ले और मड, जो भी आपके उसके अंदर छेद होते हैं, जहाँ भी आपको दिखाई दे कि इसका छेद है, इसी इंसेक्ट का अंदर इंसेक्ट होगा, तो वहाँ पे आप जो धुमक होते हैं एक तरीके के, जो फ्यूम्स देते हैं, ऐसे फ्यूमिगेंट मतलब जिनमें से गैस रिलीज होती है, जैसे कार्बन डाइसल्फाइड है या फिर पेट्रोलियम, जहाँ पेट्रोल कह देते हो, पेट्रोल है, कैरोसिन है, इसको उस छेद के अंदर आपको इंजेक्ट करना है सिरेंज के थ्रू, और उस जगह को आपको क्ले या फिर जो गार मिट्टी होती है उससे, उस गीली मिट्टी से उसको बंद कर देना उस छेद को, ठीक है, जिससे कि जो फ्यूम्स है, गैस है, वो अंदर उस इंसेक्ट को ख़त्म कर सके, बाहर ना निकले इंसेक्ट। नेक्स्ट है फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर्स, जो इसके भौतिक विकार होते हैं या शारीरिक विकार होते हैं वो। फिर है इसमें पहला फ्रूट क्रैकिंग, फलों का फटना, इसको फ्रूट स्प्लिटिंग भी कह देते हैं कई बार, ठीक है। फ्रूट क्रैकिंग इज ए सीरियस डिफेक्ट एंड ऑल्सो अफेक्ट इट्स कल्टिवेशन ग्रेटली, विच कैन बी ड्यू टू द फ्लोविंग रीजन्स, जो फ्रूट क्रैकिंग एक सीरियस इसका अंदर एक कह लो कि बुराई है, डिफेक्ट है, जो इसकी कल्टिवेशन को काफ़ी प्रभावित करता है, और इसके कुछ कारण हैं। पहला है वराइटल करेक्टर, कुछ वराइटियाँ हैं जिनके ये गुण हैं, मतलब उनमें फल फटते ही हैं कुछ किस्मों के अंदर। इरीगेशन इंटरवल, जो इरीगेशन का इंटरवल है, सिंचाई की अंतराल है, कभी कभी ज़्यादा होने के कारण फल फटने स्टार्ट हो जाते हैं, मतलब आपने सिंचाई लंबे टाइम तक नहीं की तो नमी के कारण, कम नमी के कारण फल फटना स्टार्ट हो जाते हैं। इसके अलावा ड्यू टू हॉट एयर और गर्म हवा के कारण भी कई बार जो फल होते हैं इसके फटने स्टार्ट हो जाते हैं, क्योंकि जब ज़्यादा टेम्परेचर को सहन नहीं कर सकता, 30 के आसपास रहना चाहिए। इसके अलावा एंडोजिनस लेवल ऑफ ग्रोथ रेगुलेटर्स, जो ग्रोथ रेगुलेटर है उनका जो स्तर होता है अंदर का, ठीक है, अंदर जो फलों के अंदर पाए जाते हैं उनका जो स्तर है, उसके कारण भी हो सकते हैं, जैसे GA3 जिब्रेलिक एसिड एंड हाई लेवल ऑफ एब्सेसिक एसिड, जो एब्सेसिक एसिड और GA3 का जो ज़्यादा लेवल है इन द स्किन एरिल एंड सीड, इसके कारण भी कई बार फल फट जाते हैं, मतलब जो उसके फल का छिलका है या उसके बीज के अंदर या फिर जो अंदर एरिल होता है मतलब गुद्दा होता है, उसके अंदर अगर एब्सेसिक एसिड या फिर GA3 का लेवल ज़्यादा है तो भी कई बार फल फट सकती हैं। फिर है रेमेडियल मेजर्स, इसको रोका कैसा जाए कि भाई इसका उपचार क्या है, ठीक है। इरिगेशन एट प्रॉपर इंटरवल विल हेल्प इन कंट्रोलिंग वाटर अब्जॉर्प्शन, जो सिंचाई है उसको एक प्रॉपर इंटरवल पे करनी चाहिए, मतलब 7 दिनों के अंतराल पर, गर्मियों के अंदर लगभग लगभग करनी चाहिए, ठीक है, जिससे कि इसमें वाटर का एब्जॉर्प्शन है उसको कंट्रोल किया जा सके, फल के अंदर वाटर का प्रॉपर एब्जॉर्प्शन हो सके, और उसके अलावा वो सॉल्वेंट भी हो सके, मतलब सोल्यूबल भी हो सके, उसके अंदर घुल सके। इसके अलावा स्प्रे 0.4% बोरोन, आप बोरोन का 0.4% का छिड़काव भी कर सकते हो। प्लांट ए टोलरेंट वैरायटी लाइक हांगकांग, इसके अलावा एक टोलरेंट किस्में हैं जिनके अंदर फ्रूट क्रैकिंग की समस्या नहीं आती, जैसे हांगकांग है, उसको प्लांट करो। कवरिंग द फ्रूट बंचेज विद पेपर बैग्स कॉज लेस फ्रूट स्प्लिटिंग, जो बंच होते हैं मतलब गुच्छे लगे हुए रहते हैं, उनको पेपर कागज़ के
बैग या थैले से अगर ढक दिया जाए तो भी आपकी जो फ्रूट स्प्लिटिंग है, फल फटते हैं, वो कम हो जाती है। थैंक यू।